गाइस अभी हम लोग डेकोरेशन की तैयारी तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डेकोरेशन और कुछ इस तरह से हमने बलून सभी लगा दिए हैं और चलिए यहाँ पर अभी हैप्पी एनिवर्सरी और यहाँ पर कुछ करेंगे चेयर वेयर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर ढेर सारा स्वागत है जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस साहनी और मेरा नाम है रानी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और अभी हम यहाँ पे कर रहे थे डेकोरेशन क्योंकि मेरी है एनिवर्सरी, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और देख सकते हैं। मैं जब कर रही थी ना तो हर्ष ने बोला कि रानी मम्मी मैं बनाऊँगा आपकी वीडियो, और ये मेरी वीडियो बना रहे थे, सिर्फ मेरे मतलब पूरा फेस की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने इनको बोला था कि दूर से बनाओ, पूरा डेकोरेशन आना चाहिए, तो ऐसी वीडियो बना रहे थे। बट कोई नहीं, बच्चे हैं। सो हे गाइस, मैं हो गई थी यहाँ पर रेडी और मैंने चेंज कर लिया था, मैंने पहन लिया ये प्यारी सी साड़ी। और ये साड़ी मैं बता दूँ आपको, मम्मी ने भेजी है मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट और बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे तो। आप सभी को कैसी लगी साड़ी बताइएगा जरूर। वो निकाल दे भाई, नाइस अपना फैशन बनाते रह जाएंगे तो तरफ फट फूट देते वो कर देंगे, इतने सही कर देंगे साहब। अरे इधर लड़ाई से सो गाइस, फाइनली आ गई वो घड़ी जब हम करेंगे अब केक कट और हमारे 8 साल पूरे हो जाएंगे शादी को। और मतलब कि कितना अच्छा लगता है ना, कितनी खुशी का ये टाइम है, कितना अच्छा मोमेंट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे और अभी थोड़ी देर में इस केक का क्या हल होने वाला है ये आप आगे देखेंगे, और इसके लिए आपको वीडियो ज़रूर देखनी होगी पूरी। जब देखेंगे आप तभी पता चलेगा आप सभी को। और यहाँ पे गाइस, मैं बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मैंने जब रात को वीडियो एडिट करने के लिए लिया ना, इस चक्कर में मेरा एक दिन डिले हो गया ब्लॉग करने अपलोड करने में, क्योंकि जब मैं एडिट कर रही थी मैंने देखा कि ये पूरा का पूरा ब्लर कर दिया है वीडियो, क्योंकि हर्षित ने वीडियो बनाई थी और इन्होंने ना पता नहीं उसमें कुछ नंबर होते हैं वो नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे, तो इस तरह से वीडियो आ गई थी और बहुत ज़्यादा ब्लर हो गई थी, मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था। बट कोई बात नहीं, अब कैसे भी है वीडियो तो डालना, अपलोड तो करना ही पड़ेगा। सो मैंने सोचा चलो हम ऐसे ही अपलोड करते हैं। केक को बच्चों ने गिरा दिया और ऐसे हो गया गाइस, और हम इसकी वीडियो नहीं बना पाए, तो चलिए कोई नहीं, केक तो अब हम काट नहीं पाएंगे, है ना बेटा? तुमने गिराया था? किसने गिराया केक? ये जॉर्ज ने गिराया। जॉर्ज, आपने केक गिरा दिया? अच्छा, आपने गिराया? रंजीत मामा ने। नहीं गाइस, सब इनकी गलती है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बच्चे ने गिराया है, इसने गिराया। अरे इसने काट लो ना, अब क्या काटे हो गया। अरे है कोई नहीं, ऐसे सुबह से उठा। सो है एक दिन अरे नहीं हो गया, रहन दीजिए, बता दिया मैंने गाइस को कि बच्चों ने गिरा दिया केक खराब, खा लीजिए। बच्चों ने गिराया, फिर किसने गिराया? सनीम का आएगा उसके बाद से, हम जब केक काटेंगे, ये ओरिजिनल केक है, वो एकदम से पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो गाइस इस तरीके से केक खा रहे हैं। तो रेस भी बनानी है। अरे एक मिनट, मेरा फोन कहाँ गया? अरे ये किसका फोन है? ये वो भी आई फोन है ये वाला भी। हेलो, हाँ? जैसा कि आपने देखा, बच्चों की गलती की वजह से हमारा केक खराब हो गया, और उस वक्त ना हमारा कैमरा ऑन नहीं था, वरना हम आपको रिकॉर्ड हुआ रहता तो मैं आपके साथ शेयर करती। और यहाँ पर देखिए विपिन जी जबरदस्ती जाकर दूसरा केक लेके आ गए, मैं इनको मना कर रही थी। और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह से कभी केक खराब हो गया हो तो केक दूसरा लाना पड़ा हो या फिर आया ही ना हो? मैं तो मना कर रही थी बट लेके आए, और यहाँ लग रहा है जैसे कि हमारा एनिवर्सरी नहीं बल्कि बच्चों का बर्थडे है, तो बच्चे सबसे पहले आगे आ जाते हैं केक कट करने के लिए, और मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलिए हमने भी मिलके सबने केक कट कर लिया, और अब इसके बाद हम सभी को एक दूसरे को केक खिलाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत खुश थी। और मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है आप सभी को? मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और
अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो प्लीज 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 एक लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, लाइक शेयर कमेंट करने से ना कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस अगर आपने करा तो। एंड देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग फिर से फोटो शूट करवा रहे थे अब दूसरे केक के साथ, और केक खिलाते हुए और सभी को फिर हमने केक खिलाया और खूब सारे इंजॉय किया। देखिए, यहाँ से हमारा डेकोरेशन लिटरली गिरता ही जा रहा था। मैंने इतना प्यारा डेकोरेशन किया था बट रुका ही नहीं एनिवर्सरी केक कट होने तक। अगर हमने पहले वाला जो केक था उसे कट कर दिया होता तो शायद वो रुका रहता, तब तक ठीक था, बाद में सारे गिर गए इधर उधर। मैंने ये जो लाइट लगा दिया ना, लाइट की वजह से बलून्स पे भारी पड़ गया और इसलिए ये सारे गिर रहे थे। एंड गाइस, यहाँ पे मैंने रील्स भी बनाई बहुत अच्छी अच्छी और सभी को केक खिलाया। और आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मतलब आप सोच रहे होंगे ना बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ मैं, सॉरी बट क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे दोबारा से भिड़ गए हैं केक खाने, और जो पहले वाला केक था ना गाइस वो उस वैसे ही सारे बच्चों ने उठा उठा के खा गए और इतना मुझे हंसी आ रहा था। एंड गाइस, आप सभी भी केक खा लीजिए हमारी तरफ से और हमारे हमें एनिवर्सरी विशेस ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें और आप सभी भी बहुत अच्छे रहें, बहुत खुश रहें। और मेरे लिए, मेरे दिल से सबके लिए दुआ ही निकलती है कि सब लोग बहुत खुश रहें। एंड गाइस, जब मैंने यहाँ पर नेहा को केक खिलाने गई और तब मैंने देखा कि कैमरा बिल्कुल ब्लर था, तब से नेहा को मैंने जब बताया नेहा का मुंह बन गया कि ओह माय गॉड ये कैसे हो सकता है, क्योंकि विपिन जी ने ले रखा था और मैं यहाँ पर इसको दिखा रही थी करके देखो ऐसे, और नेहा ने अपना सिर खुजा दिया कि ये क्या हो गया। एंड यहाँ पर हमने फिर बनाई रील्स एक दो ऐसे घूमने वाली, और बच्चे तब भी आके बाबू बहुत परेशान कर रहा था। सो गाइस, अब हो गई है रात और रात के बज रहे हैं दो या तीन बजने वाले। तो गाइस 3 बजने वाले हैं और देख सकते हैं अभी तक हम लोग वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, और मैंने साड़ी चेंज कर दी है दोबारा से, और मैंने साड़ी के साथ ना गाइस एंड नहीं कर पाई थी वीडियो। एंड देख सकते हैं हमारा डेकोरेशन सारा गिर गया है, ये हो गया डेकोरेशन मोए मोए हो गया गाइस, हमारा पूरा डेकोरेशन का हो गया मोए मोए। तो गाइस ऐसा हुआ था ना, जो साड़ी मैंने पहनी थी अभी, वो साड़ी का बहुत ही एक अलग इंटरेस्टिंग कहानी है, किस्सा है, उसको मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और मेरे पास चूड़ी उसका नहीं था तो मैंने ये चूड़ी, मेरे पहले की चूड़ियाँ हैं, मेरे लहंगे की चूड़ी है, तो सबको मैंने सारे जितने भी जरकन के हैं सब मिला के पहन लिया। कैसा लग रहा है कमेंट बताइएगा। सो गाइस, चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और हमारी आज एनिवर्सरी थी तो हम लोग बहुत अच्छे से एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किए और बहुत खुश थे, और जैसे कि आपने देखा। सो मैं कैसी लग रही थी, मेरी साड़ी कैसी लग रही थी और मेरा पूरा लुक कैसा लग रहा था, एंड मेरे हस्बैंड जी और मेरी पूरी फैमिली को आप सभी ने देखा। तो गाइस चलिए ठीक है, इसी के साथ करते इस ब्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच एंड बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो है आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।